शांति नाल बैठना चाहिए। जे मन चंचल है तो टिकदा नहीं, जा बहना औखा है तो फिर वही बारे पासे ग्राउंड उसे खुले संभाल लिया करो। सतगुरु के सत्कार नूं पूरा पूरा कायम रखो तो आपां नूं पूरा हक प्राप्त होवेगा। तो जे सिखी स्वरूप में होके तो बटरूपिया रूप धार के तो किसी भी नकल ला के चंचलताई के शिकार होके गुरु की बेअदबी की तो हक पूरा प्राप्त नहीं होवेगा। तो निम्रता साहब से बेनती है सारी संगत नूं अगे वास्ते जो भी हजूर की हजूरी चाहना नमस्कार करके बैठ जाना चाहिए। मैं अपने वालों एक दुआ का नाम लैके नहीं, समुचे तौर पर जितने जथेदार जथेदार जाने वाले गुरसिख माई भाई बीबिया जा रहे हैं, मैं उन्हें सारे का ही बहुत धन्यवाद करता हाँ। पर आप इस नाजुक समय के बहुत सचेत होकर चलना पवेगा। ये एक पासे तो ढा नहीं लग रही, देहधारियों वालों बीबी इंदिरा के चमकियों वालों कुर्सियों के लालचियों वालों कुछ अपने निजी प्रयोजन नूं पूरियां करके अपनी शोहरत नूं वधाउण वास्ते ते माया के गलबे वाले वालों इन्हां सारिया पासों तो ध्यान नाल चलना पैना है। हकूमत ने हर तरीका वरतना कि पैसा दे के अकाली दल नालों किसनूं तोड़िया जावे, लालच दे के कुर्सी का किसनूं तोड़िया जावे, किहड़े तरीके दे नाल जिहड़ियां जथेबंदियां सिंघ सभावां सभा सोसायटियां संप्रदावां अकाली दल नाल जुड़ियां इन्हां नूं आपस विच फुट दा शिकार बना के अकाली दल से बाकी जथेबंदियों तरेड़ा किस तरीके पैदा कीतियां जाण ये सारा तरीका गौरमेंट ने वरत के पूरा पूरा जोर लाना है। पर आपां इस नूं निष्फल करन वास्ते असफल बनाउण वास्ते सावधानता किस तरीके रखनी है एकता का सबूत देना है। जे कोई सिंह सिंह नूं सिख सिख नूं एक दूजे नूं कोई गाल कढ़दा है उहनूं गाल का जवाब गाल विच ना देवो, उन्हें यह कह के गुरमुखा दो होर कढ लै, जे तेरा पेट गाल नाल भरदा मंद भाषा नाल भरदा है दो चीजा होर कह लै। जे सिख सिख दे मुंह ते चपेड़ मारदा है उहदे अगे मुंह कर दे उनका दो होर मार लै, पर नरकधारी अगे ना कर दिओ, जां पुलिस वाले अगे नहीं सिख सिख अगे करे उनका होर मार लै। जरूरत नहीं पवेगी कि एक बिना कोई कौड़ा बचन कहे तो उन्होंने कह दिए भरावा दो होर कह लै, ओला शर्म नाल अपने आप ही सिरनिया हो जाएगा। पर अपना इसे की सुभा बनिया है, जे एक ने टीवी लाई है तो दूजा कहना सारी डबीरिया सीखा बाल देना तो मैं ये चंगा नहीं कि नहीं चंगा नहीं, ये सुभा अपने वास्ते मार। मैं हाथ जोड़ के सारी संगत को बड़ी निम्रता सहित बेनती करांगा, जो धर्म युग मोर्चे के डिकेटर साहबान संत बाबा हरचंद सिंह जी लौंगोवाल इस मोर्चे की वांगडोर संभाल के चला रहे हैं, समय समय मुताबक गौरमेंट ने चाल चलिया तो अगे भी चलेगी, पर उन्हों तो बचण वास्ते आपां अपने कन्नां विच फिरका प्रस्त दीआं गल्लां सुन के फुट का शिकार नहीं होना चाहीदा। कई बारी कहा जांदा जी एक नरम धड़ा एक गर्म धड़ा है, ये बोलते नहीं दूजे बोलते हैं सानू जवाब कोई नहीं मिलता। मैं अकाल तख्त साहब एक दिन बेनती की सी, संतां ने भी कहा सी कि भाई अखबारों वाले भी बहुत कुछ कहना कई जिहड़े अपने उल्ट है, खास करके महाशा प्रेस उन्हें अड्डी चोटी का जोर लाना है कि इन्हों दीआं पग्गां एक दूजे दीआं किस तरीके नाल लै सकदियां। जदों तक फैसले का ऐलान नहीं हुंदा कोई कुछ कही जांदा किसी की परवाह ना करो, आप अपने निशाने वल वधी चलो। सिख वक्री कौम बारे बड़िया अनेक प्रकार दीआं गल्लां चलदियां, कुछ साडे विच वी कलियाईआं हन, उन्हां कलियाईआं नूं गुरु की संगत ने दूर करना है। सिख वक्री कौम कहण तों असीं कई वेरां स्टेज तों झिझक जांदे हां जी, पता नहीं किहड़ा बंब चल जाणा उपरों तोप चल जाएगी पहाड़ डिग पवेगा। सिख वक्री कौम दे ऐसे भारी वड्डे वड्डे प्रूफ सबूत हन जिन्हां दा जवाब जिहड़े सेंटर विचों वड्डे वड्डे खब्बी खान कहाउण वाले सी जदों उन्हां दे पास दलीलां दित्तियां गईआं
ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਸੀ, ਆਡੀਟਰ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ 12 ਦੇ 12, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ 2-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਨਮਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਚੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਜੰਮਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੁਕਣ ਛਿਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਜੰਗਲ ਸਿੱਖੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਰ ਵੀ, ਚਿੱਤਰੇ ਵੀ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ 3 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਉੱਪਰ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਥੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨੀ ਨੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ? ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਛੇਤੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਥੱਲੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਝੰਡਾ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਵੱਖਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਛੀਂਦੇ ਨਾ ਹੀ ਝਿਹੋਰ ਹਰੀਜਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਿਆਰ ਘੁਮਿਆਰ ਸੈਣੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਦਿਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
इस वास्ते असि वखरे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं कुल दुनिया का चक्कर काटा लो, तुहानू किसे थां ते लंगर मुफ्त नहीं मिलेगा। जे लंगर मिलेगा तो एक गुरु के दरबार विचों मिलेगा, बाकी कितों नहीं मिलेगा। इस वास्ते असि वखरे हाँ। बाकी किसे धार्मिक ग्रंथ नूं मनण वाले लोकां विचों उन्हां दे घरों जो बीबियां उन्हां नूं अपने इष्ट दी हजूरी विच जाके नमस्कार करन दा अधिकार नहीं, ते अपने धार्मिक चिन्ह गात्रे पहनण दा वी अधिकार नहीं। हिंदू दे घर वाली बोधी नहीं रख सकती, कई हिंदू भरा बैठे पुछ भी लियो, हिंदू दे घर वाली बोधी नहीं रख सकती, हिंदू दे घर वाली जनेऊ नहीं पा सकती, हिंदू दे घर वाली 12 तिलक नहीं ला सकती, मुसलमान दे घर वाली मक्के जाके जियारत नहीं कर सकती, मुसलमान दे घर वाली मस्जिद विच पर्दे तो बगैर नमाज नहीं पढ़ सकती। जे नमाज पढ़नी है पर्दा करना पड़ेगा, पर साडा सिखां दा असूल है जे मत्था इत्थे सिंह ने टेकिया ते बीबी ने भी इत्थे मत्था टेकना है। जे सिंह दे गात्रे कृपान है ते बीबी दे भी कृपान है। जे सिंह अखंड पाठी है ते घर वाली भी अखंड पाठ दी रौल ला सकती है। सिंह कीर्तन करदा ते बीबी कीर्तन कर सकती है। साडा सारा सिलसिला ही तुहाडे नालों वखरा है। कि तुसीं किवें कहिंदे सिख वखरी कौम नहीं, कहिंदे जी जवाब कोई नहीं, जवाब कहिंदे है कोई नहीं, सिख वखरी कौम कहिंदे मनना नहीं। फिर इह मनाउण वास्ते तुहानूं सोचना पऊ। मेरे ते प्रश्न किया राम जेठमलानी ने, सुब्रमणियम ने अते उन्हां अडिटरां ने, ओह कहण लगे जी तुसीं संत हो। मैं कहिंदा जी मैं सिंघ है। कहिंदे लोकी तुहानूं संत कहिंदे है। मैं कहा संगतां नूं पुछो। कहिंदे जी संतां कोले हथियार नहीं होया करदे, तुसीं हथियार क्यों रखे है। दास ने उत्तर दिता सी कि मैं खुसरा नहीं हां ते ना खुसरे दा पुत्त, मेरा पिता मर्द है। भाई गुरदास जी ने लिखिया वाह प्रगटो मर्द अगमड़ा, वरियान अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ओरा पुत्र है। मैनू कह लगा शास्त्रा दे नाल शांति भंग दी शांति, अशांति चलती है ना, मैं इस पास बहुत नहीं पैना। केवल शांति वास्ते दो कखरी कहने हैं। कहिंदे जे सिख हथियार रख लवे ते शांति भंग हो जाती है। बाहर जाके कहिंदे पिंडरां वाले दी गल विच दलील नहीं, ते दलील मैं ए दित्ती सी कि तुसी 12 अडिटर हो ते मैं तुहाडे कोल पुछना चाहुंदा हां, जे हथियार रखण नाल शांति भंग हुंदी है ते बार्डरां दे उपर तोपां सटेना मशीन गन्ना ये क्यों बीड़िया हुई है? वो शांति भंग करने वास्ते बीड़िया का शांति कायम रखने वास्ते। कहिंदे जी बीड़िया तो शांति कायम रखने वास्ते है, ते मैं कहिंदा तोप नाल शांति भंग नहीं हुंदी, क्या 315 ते स्प्रिंग फील्ड नाल शांति भंग होजू? कहिंदे तुहाडे हथियार जायज है। मेरे कोल कह के गए हैं, टेप भर के गए हैं, असी अतवादी हाँ, असी तुहाडे नाल हाँ, हथियार तुहाडे जायज हन। ते अखबारां विच जाके कहिंदे जी पिंडरां वाला बड़ा खतरनाक, एक पासे कहिंदे दलील नहीं, दूजे पासे कहिंदे उत्तर नहीं। सो इहो जिहे लोकां तों सावधान रहना। मैं सारी सिख संगत नूं बेनती करांगा जे आपां इस मोर्चे विचों कामयाबी प्राप्त करनी है ते पूरा हक लैणा है। आनंदपुर दे मते बारे जो चर्चा चल रही है उन्हां भुलेखिआं नूं दूर करके अपने पूरे पूरे हक हासिल करने हैं। 100/100 नंबर लैणा है ते फिर एक साथ रहना पवेगा। ये नहीं तुरन लगे जथेदारां दा रौला पै जावे। ते मैं सारे जुम्मेवारां नूं इक बेनती करदा, किसे ते शक करके नहीं, मेरी एक जिम्मेवारी भी बनती है प्रचारक तौर ते। आपां नूं सारे नूं जथेदारां नूं संभल के चलना चाहिए। किसे ते शक पैंदी है उहनूं कोल बुला के एक दूजे नूं पुछो, पर ऐसियां नौसरबाजियां करी जाणियां कि ट्रकां दे ट्रक माले इकट्ठे कर ले, इहनूं थानां दे थान कपड़े पहुंच गए, ਇਹ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ,
वो जेड़ी फेडरेशन 50-55 साल तो चली आती है, पंथ दे नाल मोटे ना मोटा ला के तुरी जा रही है। जेड़ी फेडरेशन ने सतगुरु ग्रंथ साहब के सत्कार के संबंध में अपनिया लत्तां रस्से ना बनवा के पुठे लमके है, छातियां च गोलियां खाधियां, रीढ़ दियां हड्डियां कड़वा लईयां, अपने घर नूं अगां लवा लईयां। अज उन्हां नौजवानों नूं जोन दे थां इह कह के फटकारिया जांदा है कि तुसीं पंथ दा अंग ही नहीं हो। कि पंथ दा अंग ओ लोक हन जिन्हां ने कुर्सी वास्ते कौम वेच दित्ती, कि पंथ दा अंग ओ लोक हन जिन्हां ने गुरु की हजूरी च सौ खा के ते फिर वापस परता है, कि पंथ दा अंग ओ लोक हन जेड़े जथे च जाने वाले नूं कहिंदे तुसीं ना जावो। इन्हां गल्लां तो आपां नूं सारिआं नूं आवाज़ आउणा चाहिए है। ते एक जिहड़ा कन्नां दे विच आवाज़ां पाईआं जांदीआं जे पिंडरांवाल ते लौंगोवाल हुण बिलकुल फुट दे किनारे ते खड़े है, ये सुपने विच वी ना कदे लियाओ। दुनिया की कोई हस्ती नहीं, ना कुर्सी उन्हां लैणी है ते ना मैं लैणी है। उन्हां बारे तो संत जी आप स्पष्ट करनगे। मैं हजूर की हजूरी एक गल कहनी चाहुंदा हाँ, भावें मेरा अज प्रकरण नहीं सी, पर कुछ लोगों ने आ मेरे महीना क ना बोलन करके ये रटनी शुरू कर दिता कि वाहवा गूंगा बनिया बैठे किस तरीके गुठे ला दिए। मैं इन्हां लोगों नूं वार्निंग देनी चाहुंदा हाँ, मैं अपनी जिंदगी विच श्रोमणी अकाली दल का प्रधान, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान, MLA वजीर, किसी भी काम विच मैं अपनी जिंदगी विच बनिया ते तुसी मैनू इन्हां पोस्टां ते बैठे नूं वेख लिया, जुत्तियां तुहाडियां होणगियां ते सिर मेरा होवेगा। पर जे इन्ना निर्लालच जीवन रखण दे बावजूद, इन्ना त्याग दा सबूत देण दे बावजूद ते इन्ना संगत विच स्पष्टीकरण करन दे बावजूद ते पंथ वास्ते अपना कुतरा कुतरा ते एक खून दी बूंद डोलण दा इशारा नहीं, दृढ़ता सहित कहण दे बावजूद एक कुछ क प्रेमी ऐसियां गल्लां तो बाज ना आए ते मैं हाथ जोड़ के पहला तो कहना है कि जे हाथ जोड़ के कहण दे बावजूद भी अपनियां कोझियां हरकतां ते चालां पंथ दे विच फुट पाउण वास्ते इन्हां नूं बंद ना कीता ते इहदा हो सकदा कोई छिट्टा होर निकले, हटना चाहीदा। हां मैं किसे नूं कहना, मेरे मूंह किसे ने गल सुनी है ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੋ ਸਮਿਤ ਵਿਚ ਗਲਤ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌੜੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਣਗੀ ਧਰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਗਤੀਆਂ ਭਾਈ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਤ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 17, ਪਰ ਵੇਖੋ 17 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਲਵੋ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ।
हथियार लवो शस्त्रधारी होवो ते शस्त्रधारी होके दुकान नहीं लुटनी मारना नहीं किसे नू जख्म नहीं किसे दे करना पर जे अपना हक लेंदे होया नू ते हक दी आवाज उठाउंदे होया नू कोई कहे तुहाडा मुंह बंद करना ओदे वास्ते वरतों करनी है जिहड़ा भलवान सी नाल चले ओदे वास्ते नहीं मैं अपने वल्लों जाण वाले जथे सिंघां दा बीबियां दा माइयां दा जथेदारां दा सारयां दा धन्नवाद करदा हां ते सारयां नू वधाई दिंदा हां सतगुरु कृपा करन सानू सारयां नू समत बख्शन जिस करके असीं सिक्खी दे रास्ते चल के ते एकता दा सबूत दिंदे होया सिक्खी कमा के सब जथेदारां दी गल चली सी जथेदारां दी गल चली सी कि सानू जे तां असीं साहब धन है ते बहुत चंगा है पर जे असीं नेरे सवेरे पंज रत्नी कह के कुट पी लैने हैं ते सानू छड देनी चाहीदी है। आ प्रीतम सिंह पट्टी स्टेज ते बैठा है ए दीआं शिकायतां मेरे कोल बहुत आईआं शहर चों संत जी तीनों नहीं हटदा एक दिन दस दे मत्थे लग गया मैं इहनूं पुछा गया भाई तू किन्नी क पी लैंदा है कहिंदा जी झूठ नहीं बोलदा कदे कदे पीना जरूर है मैं क्या दस अज छड्डनी है कि नहीं कह लगा छड्डी मैं झूठ नहीं पखंड नहीं जे तो सदा वास्ते छड्डनी है ते हां कह दे ते नहीं ते घर नूं चल रहा मेरे कोल ना नहीं जे ग्रंथी शराब पीणों ना हटे संत शराब पीणों ना हटे प्रधान शराब पीणों ना हटे स्टेज सैकटरी शराब पीणों ना हटे सरकत ते जिले का जथेदार ते राजी शराब पीणों ना हटे तुहानू असे किवें कहांगे तुसीं हट जाओ साढ़े की जुड़ता तुहानू कहिए पर मैं इहदा धन्नवाद करदा ते एक संगत च इह वी दस्सां ने छड्डी किवें है इहने पर्ण कीता ते बारह इहदे साथी है उहनां बारह विचों पंजां ने मेरे कोले पर्ण कीता सत्तां ने इहदे कोले ते उहनां विचों इहने अपनी जवानी कहा कि जे अगे वास्ते मैं शराब पीवां ते मैनू पीती तो तैनू कोई फड़ा देवे ते मिट्टी दे तेल दा पीपा पा के जिउंदे नू अग ला दिओ मैं मुकदमा नहीं किसे नू कहांगा मेरे पिछों लड़े कोई इन्ना सख्त दा स्टैंड लिया ते मैनू कह भी दित्ता सी कल्लियां गल्लां नहीं जे पीती तो पकड़ा मैं साड़ूंगा भी जरूर चेता रख ली तो उहने पर्ण कीता ते बाकी मैं जथेदारां नू भी बेनती करांगा मैनू नहीं कोई पता पींदा जां नहीं पींदा जे तां नहीं पींदे ते असीं ललकार के संगत नू बेनती दे रूप च कह सकदे हां पर जे कोई चोरी छपोरी गंडे की फोलक खांदा ते गला साफ करने वास्ते वरतदा उन्होंने छड़ देनी चाहीदी है ते जे आपा करीती तो ना हटे ते गुरु ने फैसला कर दिता है पहला फाहा पाया पांदे पिछों दे गल चातड़िया पहला जथेदारां दे संतां दे ते लीडरां दे ते जुम्मेदारां दे गल च उन्हां दे फाहा पवेगा जिहड़े लोग इहो जे नशे वरतदे है। पर सानू तो सारी नू बेनती करांगा जिन्हों नशा त्याग उन्होंने धन्यवाद से जेड़े वरतने हैं वो पर्ण करो कि अगे वास्ते नशा नहीं वरतोंगे खंडे का अमृत छकोंगे सदा वास्ते पंथ की डट के हिमायत करोंगे। मैं विशेष तौर पर शहर निवासियों का धन्यवाद करना माया करके कपड़े करके साबुन तेल करके तो तुसा सारे मोर्चे की सहायता की है पर गिरफ्तारी के रूप में जितना तुसा इस वे सहयोग दिता कि अगे देने वास्ते तैयार हो शायद हो सकता संताली तो पिछों ये थोड़ी पहली मिसाल होगी तो अगे वास्ते वध करके अपना हिस्सा पाना चाहिए शहर निवासियों भी सारे का धन्यवाद बोलदा कोई गलती हो माफ करना वाहेगुरू जी का खालसा।